हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक टॉय का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ सो so, ये टॉय जो है मैंने रिसेंटली मेरे बेटे के लिए बाय किया था फर्स्ट ट्राई वेबसाइट से uh, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू बना दो दू? <laughs> पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा सो so फ्रेंड्स ये जो टॉय है ये एक ब्रांड है टाइनी कार्ट नाम का सो so, ये जो ब्रांड है ये काफ़ी सारे वुडन टॉयज़ बनाते हैं दूसरे भी बहुत सारे मैंने देखे सो मेनली आई थिंक ये वुडन टॉयज में ही एक्सपर्टाइज करते हैं सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हो इस ब्रांड के दूसरे भी टॉयज़ सो so, सबसे पहले मैं आपके साथ हाँ शेयर करूँगी कि इसकी कॉस्ट क्या है फ्रेंड्स बॉक्स पे जो कॉस्ट है वो है फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन रुपीज़ बट मैंने ये ख़रीदा था थ्री हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ पर फर्स्ट क्राई पर ऑलमोस्ट हमेशा ही डिस्काउंट्स चलते रहते हैं सो so मैंने आई थिंक एक दिन कभी 40 परसेंट ऑफ था या 30 परसेंट कुछ नहीं आई थिंक 40 परसेंट ऑफ था उस दिन मैंने ये बाय किया तो मुझे 330 हंड्रेड का मिला वैसे जब मैंने पिक्चर देखा था ख़रीदते टाइम तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा बड़ा होगा बट तो ये काफ़ी छोटा है फ्रेंड्स आप देख सकते हो <laughs> बहुत ही छोटा है ये मेरे हाथ से भी छोटा है बट उन्होंने प्रोडक्ट के डायमेंशंस भी मैंशन किए हुए वेबसाइट में आपके लिए रीड करती हूँ जो इसकी लेंथ है वो इलेवन सेंटीमीटर्स है जो ब्रेथ है वो भी 11 सेंटीमीटर्स है और जो इसकी हाइट है वो सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स है जो बॉल है उसका थ्री सेंटीमीटर्स है लेंथ और जो हैमर है उसका लेंथ है थर्टीन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर्स सो um, फ्रेंड्स so इसकी जो आइडियल एज है रेकमेंडेड एज है वो वेबसाइट पे इन्होंने लिखा है टू टू फाइव बट बॉक्स पे यहाँ लिखा है थ्री प्लस आई थिंक डेफिनेटली दो इनफैक्ट डेढ़ साल के ऊपर का भी बच्चा इसको यूज़ कर सकता है बिकॉज इतना मुश्किल भी नहीं है um, इसको हैमर करना और बॉल को बाहर नीचे निकालना सो so बच्चा अगर डेढ़ साल या दो साल के ऊपर की एज ग्रुप का है तो वो ईजिली इसको यूज़ कर सकता है फ्रेंड्स इसका जो कंट्री ऑफ औरिजिन है वो है चाइना और ये पूरा वुड का बना हुआ है वुड और स्टील उन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे बेटे ने थोड़े से इस पे पर कलर्स लगाए हैं बट जब आप खरीदोगे तो ये काफ़ी साफ साफ मिलेगा आपको सो so फ्रेंड्स इसके जो अच्छी चीज़ें जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है अपने आपके बच्चों में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ इंप्रूव करेगा जैसे कि उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो उनकी उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा उनको कलर रिकग्निशन समझेगा बिकॉज चार कलर है इसमें थोड़ा सा शेप रिकग्निशन है क्योंकि ये स्क्वायर है ये जो है ये सर्कल है ये स्फीयर है सो आप के बारे में भी थोड़ा सा बच्चे को बता सकते हो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी इंगेजिंग टॉय है मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है इसको और वो काफ़ी और तरीक़ों से भी इसको यूज़ करता है जैसे कि ये जो बॉक्स है कभी कभी वो पम पम बॉल्स लेता है और उनको इसमें डाल के खेलने लग जाता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके बच्चे अपने आप ही निकाल लेते हैं सो काफ़ी ज़्यादा तरीके से बच्चा जो है इसमें इंगेज रहता है इसकी अच्छी बात यह है कि ये बॉल्स जो है इनका कलर नहीं निकलता है uh, मेरा बेटा जो एक दिन आई थिंक वो नहा रहा था तभी उसने टब में इनको रख दिया था और टब में ये ऑलमोस्ट पूरी रात पड़े थे फ्रेंड्स पर इसका बिल्कुल भी कलर नहीं गया uh, ना हैमर का ना बॉल्स का तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये चाइल्ड सेफ पेंट है और एजेस भी इसके काफ़ी स्मूथ है ऐसा कुछ चोट लगने का कोई डर नहीं है क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है सो so, आप लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो आप डोनेट कर सकते हो या अपने दूसरे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो सो so, ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा सिर्फ़ एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा थोड़ा सा छोटा है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो <laughs> मेरे हाथ से भी छोटा है ये आ, पर उन्होंने प्रोडक्ट डायमेंशनस भी मेंशन किए थे बट जब मैंने फ़ोटो देखा तो मुझे लगा था थोड़ा सा बड़ा होगा बट जब आया तो मुझे मैं थोड़ी सी सरप्राइज uh, थी कि ये काफ़ी छोटा है अदर देन दैट मुझे ये बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा महंगा भी लगा बट अगेन अच्छी क्वालिटी का है और एक वुडन टॉय है वुडन टॉय मोस्टली जो है थोड़े से एक्सपेंसिव ही होते हैं और आप लंबे टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो तो आई थिंक दैट्स दैट्स ओके मेरी तरफ से मैं इसको दूंगी रेटिंग 9.5 अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका लिंक भी मैंशन कर दूँगी फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बार में और इसमें जो है बहुत सारी वाइटीज़ मिलती है ये जो बॉल एंड हैमर सेट है इसमें काफ़ी सारे टाइप के होते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो अमेज़ॉन पे और फर्स्टक्राई पर बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंसिव अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो आपको बहुत सारे और वैराइटीज़ मिलेंगी अच्छी वरायटीज़ मिलेंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली चेक करो बट मेरे ख्याल से ये ठीक है ये भी एक काफ़ी बेसिक छोटा सा है सो दिस इज़ या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स अगर आपने ये रिव्यू एन्जॉय किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स